कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिनके सेकेंड डोज का वक्त हो चुका है, तो कई लोगों को पहली डोज भी नहीं लगी है। इन हालातों में अचानक वैक्सीन उपलब्ध होने पर वैक्सीनेशन सेंटरों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में वॉक इन मोड वाले टीकाकरण केंद्रों पर गुरुवार को भारी भीड़ देखी गई। जिन वैक्सीनेशन सेंटरों में 100 लोगों की डोज की क्षमता है, वहां 200 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। शहर के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में कमोबेश यही हालात नजर आए। 2-3 घंटा से हम लोग लाइन में लगे हैं। पीछे का जितना आदमी आया सबको इंजेक्शन लग गया, और हम लोग जो लाइन में लगे थे हम लोग को इंजेक्शन नहीं लगा। अभी बोलते हैं इंजेक्शन खत्म हो गया, तो हम लोग बोले 3-3 घंटा भी लगाते हैं, हाँ घर का काम छोड़ के आते हैं और उसके बाद हम लोग को इंजेक्शन नहीं मिलता, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। घंटा हो गया, लेकिन 3 घंटा के दरमियान में हमको तो लग रहा है कि 85 आदमी को दिया है, 50 को आप लोग प्राइवेट के लिए रखे हैं। ऐसे बताइए, हमको अस्थमा भी है, शुगर भी है, 495 शुगर है, काउंटर बना लगे। हमारे आगे 5-6 आदमी बचा था, अचानक बोले वैक्सीन खत्म हो गया, नहीं पड़ेगा किसी को। लाइन में लगे लगे काउंटर तक पहुंचे, 5-6 आदमी था बचा के, अब पड़ जाएगा आप बोलते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।